हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रेकी काम कर रही है कि नहीं, आप पता लगा सकते हैं। हाँ, आसान है, इसको पता लगा सकते हैं कि रेकी काम कर रहा है कि नहीं। मैं आपको बड़े आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, देखिए लोग क्या करते हैं, जो भी रेकी सिखा रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फीलिंग्स के ऊपर जाते हैं कि मुझे फील करना है कि रेकी निकल रहा है कि नहीं, हाथ गर्म हो रहा है कि नहीं, झनझनाहट हो रही है कि नहीं, या फिर आंख बंद कर रहे हैं तो आपको कोई भगवान दिख रहे हैं कि नहीं। मैं बोलता हूँ कि ये सब फील होना या नहीं होना आपके रेकी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आप वैसे भी अपने आप ही फील कर सकते हो, अपने आप ही इमेजिन कर सकते हो, वो अलग बात है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि क्या रेकी सचमुच में आपके अटूनमेंट हुआ है और क्या सचमुच में रेकी काम कर रही है कि नहीं, वो कैसे पता लगाना है। मेरे पास बड़ा सिस्टम, बहुत ही सिंपल सी एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। ओके, मान लीजिए कि रेकी जो अटूनमेंट हुआ है वो इलेक्ट्रिक करंट है जो आपके घर के बिजली के तारों से गुजर के जा रही है, वो आपके पास आ रही है। आपके घर में जो भी यूज करते हैं बिजली का सामान, वो उस बिजली से चल रहा है, जो कि मान लीजिए कि रेकी अट्यूनमेंट के बाद आपको वो शक्ति मिली है, राइट? तो ये जो एनर्जी है वो बिजली का वो कनेक्शन है, मान लीजिए। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपको ये पता करना है आपके घर में, ओके, जैसे आप बाहर से आते हैं, मान लीजिए आप घर के बाहर थे और आप अंदर आते हैं और अंदर पूरा घुप अंधेरा है। अब मुझे बताओ कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें यहाँ पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, बिजली है कि नहीं है। क्या करते हैं आप? सिंपल क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे दीवार पर ढूंढते हो बिजली का वो पर्टिकुलर स्विच बॉक्स, और उस स्विच को आप सिंपल दबाते हो जो कि लाइट का होता है। जैसे ही दबाते हो, अगर करंट है तो लाइट जलती है, राइट? लाइट जल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट है। लेकिन अगर लाइट नहीं जला, इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा सिंपल है कि करंट नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब आते हैं रेकी में। ओके, अब रेकी आपको अटूनमेंट हुआ कि नहीं, करंट है कि नहीं, एनर्जी बह रही है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा? सिंपल है, मैं फर्स्ट डेट सबसे बोलता हूं कि अपनी हीलिंग शुरू करो। जैसे ही आप अपनी हीलिंग करने लगते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी जो दर्द है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, आपको लगता है कि थोड़ा सा आराम मिला है, व्हाटएवर। ओके, एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, दैट मींस रेकी इज वर्किंग। अब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपके पेट में कोई दिक्कत है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर गैस का प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, ओके, एक प्रॉब्लम है आपको, और आप रोज अपने पेट में हाथ रख के हीलिंग कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि रेकी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब आपको आराम मिलने लगेगा, आपके पेट में रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगेगी, आप खुश रहोगे और आप संतुष्ट रहोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी, दैट मीन्स रेकी इज वर्किंग। ओके, दूसरी तरफ अगर ये काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली आपका अटूनमेंट सही नहीं हुआ है और ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको देखने के लिए कि रेकी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचने लगे कि अरे यहाँ से झंझनाहट क्यों नहीं हो रही, इसमें सनसनाहट क्यों नहीं हो रही, मुझे भगवान क्यों नहीं दिख रहे, या फिर वो हाथ गर्म क्यों नहीं हो रहा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम रेकी सीख रहे हैं, मान लीजिए एकदम आप नए हो और आप अभी अभी रेकी का अटूनमेंट लेके मुझसे सीख रहे हो, तो आप एकदम नए हो, आपकी उम्र 30 40 50 साल की उम्र है और आपने इतने सालों तक उस रेकी के बारे में कभी सुना नहीं, कभी कुछ आपको फीलिंग नहीं आई, किसी ने आपको समझाया नहीं कि आपका हाथ ही जगन्नाथ है और आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं उस दिव्य शक्ति से, तो आप तो आज तक ये आपकी मान्यता ही नहीं थी, आपकी ये सोच और आपकी बिलीफ में नहीं था कि आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो इमीडिएटली उस एनर्जी को, वो भी दिव्य एनर्जी को, दिव्य शक्ति को आप फील कर पाओ जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड वहां पे उस चीज को काइंड ऑफ दबा देता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मेरी जो कोर्स है वो 1 महीने का लगातार प्रैक्टिस करने वाला कोर्स है, जिसको मैं 90 डेज तक लगातार प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी कोई भी कसर न रह जाए। आपको ये बताया जाता है, हमारे साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि 28 डेज तक अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को, सोचने में, भाव करने में या फिर एक्शन में, तो वो आप उसको, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। और अगर आप 66 डेज तक लगातार उस सोच को, उस भाव को, उस मान्यता को और उस एक्शन को कर पाए 66 डेज तक, तो वो आपके माइंड में पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है और वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है आपको करने से पता चलेगा। इसीलिए मैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच के रूप में जब मैं किसी को सिखाता हूं,
तो मैं एक दिन का क्लास नहीं कराता, 2 दिन का वर्कशॉप नहीं कराता, मैं बोलता हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं बोलता हूँ ये एक जर्नी है जो आप मेरे साथ शुरू कर रहे हो, तो आप करो ना, रोज करो, भले ही 6 मिनट की प्रैक्टिस करो लेकिन रोज करो। और साथ में मैं माइंड पावर टेक्निक कराता हूँ जिसको मैं RMP कहता हूँ, तो वो करने से डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, बट थिंग इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। और इसमें हम अपने लॉजिकल माइंड को लगाएंगे तो कोई कुछ फीलिंग नहीं आ सकती, लेकिन फीलिंग का कोई लेना देना नहीं है। इसको भी मैं समझा दूं कि क्यों जरूरी नहीं है फीलिंग करना। मान लीजिए कि आपके घर में वो जो बिजली का बोर्ड है, राइट, आपने कभी भी कोशिश किया, आप बटन दबाने की बजाय आप बिजली का बोर्ड खोल रहे हो और उसके नंगे तार को छू के ये कोशिश कर रहे हो कि देखने के लिए कि बिजली है कि नहीं। कभी आपने ऐसा काम किया कि मैं फील करूं कि बिजली है कि नहीं? नहीं ना, ये बेवकूफी होगी। अगर हम उस बिजली को फील करने की कोशिश करें, करंट लग जाएगा, आपको झटका लगेगा, राइट। आपने क्या करना है, सिंपल बटन दबाना है, जला तो बिजली है, नहीं जला तो नहीं है। इसी तरीके से रेकी हीलिंग शुरू करते हो आप मेरे साथ, तो मैं कहता हूं कि आपको आराम मिला तो रेकी है, आपको फायदा नहीं हुआ, आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई हीलिंग नहीं, तो रेकी नहीं है, सीधी सी बात है, राइट। और जब आप लगातार करते हो मेरे साथ, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम 99.9% मेरे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो से लेकर डिप्रेशन हो, नॉर्मल हेडेक का प्रॉब्लम हो या कैंसर हो, मैंने देखा है कि सब चीज ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आप कंटिन्यू बेसिस पर उस पर प्रैक्टिस करें। और रेकी काम करता है, बिकॉज ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये हीलिंग है जो अंदर से होता है, धीरे धीरे होता है, बट ये काम करता है। इस तरीके से आप आराम से ये पता लगा सकते हो कि आपका अटूनमेंट हुआ कि नहीं और रेकी काम कर रहा है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस, वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ शेयर करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलता हूँ। रेकी ब्लेस यू, बाय बाय।